मैंगो का सीजन चल रहा है, आम सभी के फेवरेट होते हैं। आमरस खा कर के तो हम बोर हो चुके हैं, तो क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए जो काफी इंटरेस्टिंग भी हो और बहुत ही यूनिक भी हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो कस्टर्ड और उसको भी एक अलग स्टाइल में बनाएंगे हम। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने ली है मैंगो प्यूरी, सिंपल जो आम था उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ना ही इसमें कोई शुगर है, ना ही कोई वाटर ऐड किया है और ना ही इसमें मिल्क ऐड किया है। सिंपल बस मैंगो को ग्राइंड कर लिया है। और ये मेरे पास में कुछ बिस्किट रखे हुए थे तो उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। ये मैंने लिया है करीब 1 टेबल स्पून मिल्क और ये लिया है 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड। और यहाँ पर पैन में मैंने करीब 150 ml मिल्क लिया है जिसका हमें कस्टर्ड बनाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। उसके लिए दूध को हम गर्म होने के लिए रखेंगे और तब तक हम ये जो हमने दूध अलग से लिया था एक बोल में, उसमें कस्टर्ड मिक्स कर देंगे। इसमें इस कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कस्टर्ड को मिक्स करें तो हमेशा आप ठंडे दूध में ही मिक्स करेंगे, इसे गर्म दूध में कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। देखिए अच्छा मिक्स हो चुका है ये। अब जैसे ही दूध में थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, थोड़ा सा उबल जाएगा दूध, तो ये कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे। मिल्क हमने लिया था 150 ml, तो इसमें हम करीब 3 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। 1, 2 एंड 3। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ी सी शुगर को और बढ़ा लीजिए। मिल्क अच्छा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे फ्लेम को कम करने के बाद में कस्टर्ड मिक्स करेंगे। अच्छे से चलाते जाएंगे। कस्टर्ड डालने के बाद में आपको लगातार दूध को चलाते रहना है, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो तले में बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली इसे स्टर करना होगा। थोड़ा सा हमें इसे गाढ़ा करना है तो हम इसे चलाते रहेंगे। कस्टर्ड काफी अच्छा थिक हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे और इसके बाद में इसे हम फ्रिज में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। ये कस्टर्ड ठंडा ही अच्छा लगता है तो हम भी इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर देंगे। कस्टर्ड काफ़ी अच्छा ठंडा हो चुका है। जिस कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए था वो कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम इसे सर्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने एक कांच का ग्लास लिया है, इसी में मैं इसे सर्व करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बिस्किट का पाउडर हमने लिया था उसे हम बेस में डाल देंगे। बेसिकली हमें लेयर्स बनानी है अलग अलग। सबसे नीचे हम बिस्किट की लेयर बनाएंगे, इसके ऊपर हम कस्टर्ड की लेयर बनाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हमें डालना है। के ऊपर फिर से बिस्किट की लेयर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मैंगो प्यूरी, बिल्कुल स्लोली हम डालना है और इसे स्प्रेड करना है। इसके ऊपर फिर से एक बार बिस्किट की लेयर। लास्ट में इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर। और इसके ऊपर मैं रखूंगी कुछ कटे हुए
मैंगो पीसेस। और लास्ट में इसके ऊपर कटा हुआ पिस्ता। मैंगो कस्टर्ड बनके तैयार है। आप भी अपने घर पे ये लेयर्ड मैंगो कस्टर्ड बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके घर में सबको ये पसंद आया है या नहीं आया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हो। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे दिया होता है, रेड कलर का बटन, उसको दबा दीजिए। उसके पास में एक घंटी का बटन आएगा, बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ वो तुरंत आपको मिल सके। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।